हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने अभी तक अनेक प्रकार की कढ़ी बनाना सीखा है और कढ़ी चावल जो है वह एक कंफर्ट फूड माना जाता है। कढ़ी जो है वार्म और हल्का सा उसमें तीखापन रहता है और कढ़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है बेसन और दही। आज की कढ़ी जो है वह यूनिक है, उसमें हम दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी कढ़ी। अभी चातुर्मास चल रहा है और काफ़ी भक्त जो है वह उसका पालन करते हुए दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चातुर्मास को चलते हुए आप इस कढ़ी का सेवन जरूर कर सकते हैं। यह बनाना बहुत ही आसान है और उसमें बहुत सारी सब्जियां भी हमने यूज़ की हैं। सिंधी क्यूजिन में यह बहुत ही फेमस है, जिसे सिंधी कढ़ी चावल भी कहा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम जितना जिमीकंद या फिर सूरन, जिसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना नमक और अच्छे से इसे मसल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे इसका जो इचिंग होता है वह नहीं होगा। 10 मिनट के बाद इसे 2 से 3 बार पानी से हमें साफ कर लेना है और बाद में छन्नी में निकाल कर साइड में रख देंगे। सिंधी कढ़ी बनाने में हम कुछ सब्जियां का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें गवार फली है, बैंगन है, सहजन, आलू और भिंडी है। हर एक सब्जी अंदाज से 100 ग्राम जितनी है। तो बैंगन को हम बाद में कट करेंगे और इस तरह से हमें लंबा लंबा सा कट कर लेना है। यहाँ पर पैन में 4 से 5 टेबलस्पून जितना तेल गरम किया है। अब भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे। हमें एक भी सब्जी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पार्शियली कुक करना है, पूरा हमें फ्राई नहीं करना है। और भिंडी जो है हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो कढ़ी जो है वह पूरी चिकनी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो गई है और भिंडी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे प्लेट में ले लेंगे। उसी पैन में हम सहजन को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर 2 सहजन ली हैं। फ्राई होकर तैयार है, इसे प्लेट में ले लेंगे। एक बड़ा आलू लिया है और इस तरह से इसे बड़ा बड़ा कट करना है। आलू भी फ्राई हो गया है। हमने जो जिमीकंद या सूरन धोकर रखा था उसे हम फ्राई कर लेंगे और सभी सब्जियां को हम बारी बारी करके फ्राई कर रहे हैं। प्लेट में ले लेंगे। अब बैंगन को फ्राई करना है। इसमें आप आपकी मन पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। फ्राई हो चुके हैं। लास्ट में हम गवार फली डालेंगे। इसमें बहुत ही कम तेल में सब फ्राई हो जाएगी। प्लेट में निकाल देंगे और स्टोव को बंद कर देंगे। सारी सब्जियां पार्शियली फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। अब कढ़ी बनाएंगे। यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इमली के पल्प का इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून जितनी इमली लेंगे और 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर छोड़ना है। बाद में इसका पल्प निकालना है। एक मिक्सिंग बाउल में 1/2 कप जितना बेसन ले लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। 3 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प डालेंगे। 1 कप जितना पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसीलिए हम पहले थोड़ा सा पानी मिला रहे हैं और बाकी का पानी जो है वह हम बाद में मिलाएंगे। तो एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा।
स्मूथ सा मिश्रण हमारा तैयार है। इसमें हम मिलाएंगे 4 कप जितना पानी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। 2 टेबलस्पून जितना घी गरम करेंगे, 1 चम्मच जितना जीरा डालेंगे, 1 चम्मच जितनी सरसों, 1/2 चम्मच जितनी मेथी दाना, 1 हरी मिर्च को कट कर दिया है और 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। सब कुछ लो फ्लेम पर एक बार सौते कर लेंगे। थोड़े से करी पत्ते, 1/2 चम्मच जितना हींग डालेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ी का जो मिश्रण रेडी किया था वह मिलाएंगे। फ्लेम को लो रखना है। इसमें और भी 2 कप जितना हम पानी मिलाएंगे और मिक्स कर लेंगे। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और इसमें एक उबाल आने देंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। 7 से 8 मिनट हो गई है, आप देख सकते हैं कढ़ी जो है वह उबल रही है। हमने जो सब्जियां फ्राई की थी वह सब हम इसमें डालेंगे। अब फ्लेम को लो रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए हम इस कढ़ी को उबालेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वह कढ़ी में अच्छे से कुक हो जाएगी। और कढ़ी जब उबल रही है तब हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है। पंद्रह मिनट हो गई है, आइए चेक कर लेते हैं। सब्जियां जो है वह कढ़ी में अच्छे से कुक हो गई है, तो हमारी सिंधी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। स्टोव को बंद कर देंगे और ऊपर से धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पर हमने प्लेन राइस यानी कि स्टीम राइस के साथ सिंधी कढ़ी को सर्व किया है और इसे ट्रेडिशनली राइस के साथ ही सर्व किया जाता है। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप जिस भी स्थिति में हैं केवल हरे कृष्ण का जाप और भगवत प्रसाद चखने में अपनी जीभ का उपयोग करें, यह कृष्ण को प्राप्त करने का तरीका है। अगर आपको प्रसाद की रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रसाद की रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।